की दुकानों की हड़ताल के चलते मरीजों की परेशानी बढ़ गई है और पूरे जिले में दवा दुकानों की हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। दवा विक्रेता की ऑनलाइन फार्मेसी की विरोध सहित अन्य मांगों के समाधान को लेकर हड़ताल की जा रही है। एक दिन की हड़ताल के चलते दवा विक्रेताओं ने 24 घंटे बंद का आह्वान किया था, जिसका नजारा पूरे शहर में देखने को मिला। जिले में सभी जगह मेडिकल स्टोर बंद है, इसका कारण बताया हमें। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिला नहीं पूरे प्रदेश स्तरीय आंदोलन चल रहा है कि ऑनलाइन दवा अगर व्यापार चलता है तो हम जो पढ़ लिख के यहाँ पे दवाई दुकान खोल रहे हैं, दवाई दुकान खोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। खाली हर चीज़ अगर ऑनलाइन बिकने लग जाएगी तो दुकान खोलने का कोई मतलब नहीं है। हम ऑनलाइन दवा का विरोध, व्यापार का विरोध करते हैं और ये बिल्कुल गलत है कि अगर हर चीज़ ऑनलाइन बिक जाएगी तो हमारा व्यापार खोल के बैठने का मतलब क्या है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। जो अनभिज्ञ व्यक्ति है वो भी अनजानी चीज़ की कोई भी दवा मंगा लेगा और वो ऑनलाइन से उपलब्ध हो जाएगी तो फिर बैन ड्रग्स बेचने का या H1 मेंटेन करने का हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जी बिना जी, ये बताया अगर ऑनलाइन कारोबार अगर सरकार के द्वारा बंद नहीं किया जाता इसके बाद अब क्या करेंगे? सांकेतिक एक दिन के लिए बंद का व्यापार किया गया है, इसके बाद में लगातार अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा, जिसका विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा और उसके लिए जवाबदार खाली शासन और प्रशासन ही होगी। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनय अग्रवाल, मैं चांदनी मेडिकल।